एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हेनरी ड्यूनेट, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, एक बिजनेसमैन थे। अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 1859 में वो पहुंच जाते हैं इटली के सोल्फिरिनो। यहाँ पहुंचने के कुछ टाइम बाद ही फ्रांस और इटली ऑस्ट्रिया के साथ जंग पर चले जाती है। इस जंग को कहा जाता है बैटल ऑफ सोल्फिरिनो। इस जंग में ऑस्ट्रिया हार जाती है, पर दोनों साइड से टोटल 40,000 लोगों को कैजुअल्टी होती है। इतना खून खराबा देखते हुए हेनरी ड्यूनेट, जो कि इटली में इस वक्त मौजूद है, उनसे रहा नहीं जाता है और वो बिना भेदभाव किए कि कोई सोल्जर इटली का है या फ्रांस का है या ऑस्ट्रिया का है, उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो आए और जो भी लोग घायल है उनकी मदद करें। इसी वक्त एक फ्रेज भी प्रचलन में आ रहा था, ट्यूटी फ्रटेली, जिसका मतलब होता है वी आर ऑल ब्रदर्स। वहां पर लोगों की सेवा करने के बाद जब हेनरी ड्यूनेट वापस अपने घर स्विट्जरलैंड आते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए एक बुक लिखते हैं, अ मेमोरी ऑफ सोल्फिरिनो, जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए ये कहते हैं कि जंग के वक्त दोनों कंट्रीज को कितना नुकसान होता है, हर देश क्या फील कर रहा होता है, और चाहे कोई देश जीते या हारे, अपने शहीद जवानों को याद करते हुए हर देश दुखी रहता है। पर इस बुक में वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस ही नहीं शेयर करते, वो एक सोल्यूशन भी प्रपोज करते हैं। हेनरी ड्यूनेट ये दो सोल्यूशन सामने लाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि हर देश में एक वॉलंटरी रिलीफ सोसाइटी बनानी चाहिए, जो निष्पक्ष होकर बिना डिस्क्रिमिनेट किए घायल लोगों की, बीमार लोगों की सेवा करे। साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक अग्रीमेंट बनाना चाहिए जो सभी देशों को ये बताए कि जंग के वक्त, वॉर के टाइम पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अपनी इस बुक को हेनरी ड्यूनेट ने यूरोप के हर लीडिंग पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को भिजवाई। अच्छी बात यह है कि इनकी इस बुक को हर जगह पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जा रहा था। 1863 में इनकी बुक के सजेशंस को डिस्कस करने के लिए एक वर्ल्ड मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक परमानेंट रिलीफ एजेंसी बनाई जाए, और दूसरा, हर देश के साथ हम एक ट्रीटी करें कि वॉर टाइम पर, जंग के वक्त, वो न्यूट्रल पार्टी को मदद के लिए आने दें। इस पहले ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस बनाई गई, और इस दूसरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए 22 अगस्त 1864 को जेनेवा कन्वेंशन बनाई गई। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए हेनरी ड्यूनेंट को पहला नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया। पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में, जो कि ये कहता है कि वॉर के वक्त जो भी घायल और बीमार आर्म्ड फोर्सेज है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन्हें कैसी कंडीशन में रखा जाना चाहिए। 1906 में हुई थी सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन, जो कि ये बात करती है कि अगर युद्ध सी में हो रहा है, अगर वॉर सी में हो रहा है और तब वूंडेड और सिक ऑफिसर्स है, तो उन्हें किन कंडीशंस में रखा जाना चाहिए, उन्हें क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये क्लियर था कि जितनी भी कंट्रीज है वो हेग कन्वेंशन को या जेनेवा कन्वेंशन को सीरियसली नहीं ले रही थी। इसीलिए 1929 में आया थर्ड जेनेवा कन्वेंशन, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करता है। देखिए, इस कन्वेंशन के हिसाब से जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, उन्हें ह्यूमेन कंडीशंस में, ढंग की मानवीय कंडीशंस में रखना जरूरी होता है। साथ ही ये कन्वेंशन ये कहता है कि इन प्रिजनर्स के लिए, इन सोल्जर्स के लिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी जैसे एक्ट करेगा और इन पर नजर रखेगा। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन को जर्मनी ने भी साइन किया था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त ये जेनेवा कन्वेंशन जर्मनी को हर तरह की पावर, मिलिट्री कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, इन सब को यूज करने से नहीं रोक पाई, और इसीलिए 1949 में आया फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, जो एक तरीका का एक्सपांशन था। ये कन्वेंशन बात करता था नॉन कॉम्बैटेंट्स की प्रोटेक्शन की। नॉन कॉम्बैटेंट्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे जो घायल हैं, बीमार हैं, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट औरतें, ये सब। तो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन इन सब की प्रोटेक्शन की बात करती है जो डायरेक्टली युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में ये दो आर्टिकल्स देख लिए। सबसे पहले आर्टिकल 9, जो कि ये कहता है
कि रेड क्रॉस के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो जो भी बीमार लोग हैं, जो भी घायल लोग हैं, उनको असिस्ट कर सके। इसके बाद है आर्टिकल 12-16। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी हुआ, ताकि वो फिर से ना होए, हिस्ट्री रिपीट ना होए, इसलिए आर्टिकल 12 से लेके 16 को इंसर्ट किया गया है। ये कहता है कि नॉन कॉम्बैटेंट्स, साथ ही साथ वो लोग जो घायल है या बीमार है, उनको आप मर्डर नहीं कर सकते, उनको टॉर्चर नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट बी एक्सपोज टू बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो 1949 की फोर्थ जनेवा कन्वेंशन जो नॉन कॉम्बैटेंट्स की प्रोटेक्शन की बात करती है, मतलब वो लोग जो जंग में शामिल नहीं है या आपके साथ जंग नहीं कर सकते हैं, उनमें इन्होंने शामिल किया प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को अपनी कैद में ले लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो वो किसी हालत में भी आपके साथ जंग नहीं कर सकता है। फोर्थ जनेवा कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को ये 6 राइट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले कन्वेंशन कहता है कि कोई भी कंट्री अपने प्रिजनर ऑफ वॉर को टॉर्चर नहीं कर सकती, ना ही उसके साथ गलत बर्ताव कर सकती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री अपने प्रिजनर ऑफ वॉर से सिर्फ ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, उसका नाम, उसका रैंक, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका सीरियल नंबर। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्रिजनर ऑफ वॉर को ह्यूमेन कंडीशन में रखा जाएगा, साथ ही साथ उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो चाहे तो अपनी फैमिली को लेटर दे सकता है और रिसीव कर सकता है। साथ ही रेड क्रॉस को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो इस प्रिजनर ऑफ वॉर से कभी भी जाके मिल सकते हैं और उनकी लिविंग कंडीशंस को देख सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि इसे ढंग से रखा जा रहा है या नहीं। तो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जो कि लेटेस्ट कन्वेंशन है प्रिजनर्स ऑफ वॉर की और नॉन कॉम्बैटेंट लोगों की, वो लोग जो अब जंग में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन में 3 प्रोटोकॉल्स ऐड किए गए। पहला प्रोटोकॉल सिविलियंस की इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन की बात करता है, जैसे डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, इन सब की। अभी तक जिनेवा कन्वेंशन सिर्फ इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों ने सोचा कि वो सारे आर्म कन्फ्लिक्ट जो इंटरनेशनल नेचर के नहीं हैं, जैसे सिविल वॉर, उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए। तो सेकेंड प्रोटोकॉल नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उसकी बात करता है। और थर्ड प्रोटोकॉल रेड क्रॉस सोसाइटी के स्पेशल एम्बलम की बात करता है। तो जेनेवा कन्वेंशन और उसके जो 3 प्रोटोकॉल्स है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कोर पार्ट है। इनका मकसद ये है कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, चाहे वो इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो या सिविल वॉर, इनके दौरान इनका इफेक्ट मिनिमम से मिनिमम रहे। चलिए अब जेनेवा कन्वेंशन का रीसेंट एप्लीकेशन देखते हैं। जेनेवा कन्वेंशन को इंडिया ने ज्वाइन किया था 9 नवंबर 1950 में, वहीं पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 12 जून 1951 में। 27 फरवरी 2019 को जब हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार ये कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 को ध्वस्त कर दिया है, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उनकी कस्टडी में है, तभी से जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 2, जो कि ये बात करता है कि जेनेवा कन्वेंशन कब एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 2 के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो करंट सिचुएशन थी, उसमें जेनेवा कन्वेंशन एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 4, जो ये कहता है कि कौन कौन लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर की इस डेफिनेशन में इंडिया के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान फिट बैठते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 13, जो कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट की बात करता है, अच्छी ट्रीटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 13 के हिसाब से किसी भी कंट्री के प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद, ये उस कंट्री की ड्यूटी है कि वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर को अच्छे से प्रोटेक्शन में रखे, उसके ऊपर कोई वॉयलेंस ना करे, साथ ही साथ उनका कोई इंसल्ट ना करे। इसीलिए जब कल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने हमारे पायलट अभिनंदन वर्तमान की वीडियो रिलीज की थी, तो इंडिया ने उसे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना था और उसे तुरंत हटाया गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 118 को, जो प्रिजनर ऑफ वॉर की रिलीज की बात करता है। ये आर्टिकल ये कहता है कि जैसे ही जंग खत्म होने वाली होती है या हॉस्टिलिटीज खत्म होने वाली होती है, तो बिना किसी डिले के कंट्रीज को प्रिजनर ऑफ वॉर्स को रिलीज कर देना चाहिए। तो अगर आज का ये वीडियो और ये नई जानकारी आपको पसंद आई हो,
तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ ही ऐसे ही रीसेंट और लीगल अपडेट्स पाते रहने के लिए वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।